अंदोलन के हर रंग तुम देख रहे हो तो इन्ह रंगा के विचाले जोड़े सिंह है वह इन मोटरसाइकिलों पर सवार है जिन्होंने तुम बुलेट भी कहने हो कितों आए जी तुम जलंधर तो जी ती जलंधर तो इतों तक की सुनेहा लेके आए यही कि सरकार जी किसान दंगा उन्होंने सुने उन्होंने चंगी तरह विचारे तो फिर कोई फैसला लवे क्योंकि एक तानाशाही जो फरमान इन्हें जारी किया उसकी थोड़ा जहा विचार की लड़ है तो वो हिसाब किसान की जो मंग है उन्होंने मंग के उन्होंने मन के तो मतलब किसान के हक के फैसला सुनावे सिर्फ यही हाँ जी मैं इना इना होर साथियों भी गलबात करने की कोशिश करदा तुम सारे इकट्ठे आए हो मैं लगता की तुम लगता कि इस तरीके इतने सारे का आना सरकार से कोई प्रेशर बिल्टअप कर सकूगा बिल्कुल जी बिल्कुल आना की सगली धरती साध की ये साड़ी ही बसाई हुई धरती है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब गुरु कलगीधर पिता इस धरती से साडा बहुत ज़्यादा किया होया पर उपकार है साडे गुरु ते गुरसिखां दा ये साड़ी अपनी है कोई बगानी नहीं है कोई असी दूरों चल के नहीं आए सिर्फ अपने घर ही आए हाँ तो अपने गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी की शरण में आए हाँ असी कितने बाहर नहीं गए बाहर नहीं सिर्फ अपने घर ही आए हाँ दिल्ली इंसाफ दे दो असी किसी को इंसाफ नहीं मंगते असी गुरु ग्रंथ साहब जी को इंसाफ मंगते हाँ मुरद्या के अगे अरदास नहीं की जाती बेनती नहीं की जाती जागद्या के अगे की जाती है वो साढ़े हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी असी उन्हों का वोट आसरा लैके चले हुए हाँ तो असी अपने काम बाखूबी निभा जानते हाँ पहले प्यार दे नाल फिर अखीरला रस्ता जो सानू गुरु साहबाना ने दिता है वो अखीर दे विच फिर असी वरतांगे बहुत धन्यवाद तुहाडा सारे ट्रैक्टरां ते आए इत्थे ट्रैक्टर ट्रालियां ते तुसी ये राह क्यों चुने खालसा आजाद है सो असी किसी भी ट्रैफिक च फसना नहीं चाहते सी नाले अपने घोड़े है ये इंग्लिश घोड़े है कह लो या मॉडर्न घोड़े है हाँ जी सो I just want to say these are modern horses. So that's why we came on our motorcycles. Yeah. Kithon aaye ho tusi? We came from Amritsar Sahib. Hanji. Amritsar. Tusi Amritsar to itthe Delhi pahunche ho. Te Delhi da jehda itihas reha hai, oh itihas eh kehnda hai ke Punjabi jadon itthe pahunchde aa te Punjabi Delhi fateh karan waste aunde aa. Mera sawal hai ke sarkaran to tuhanu eh fateh di umeed hai ki aa? फतेह किसी सरकार तो उम्मीद लैके नहीं लिती जाती विक्टरी डज नॉट डिपेंड अपॉन द एनमी विक्टरी इज डिकलेयर्ड वैन द ह्यूमैनिटी स्टैंड फॉर यूनिटी दिस इज अ यूनिफाइड फ्रंट एंड वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेरनी दिस इज दीज आर टायरेंट्स हु आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट दीज आर नॉट द पीपल हु वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द ह्यूमैनिटी इफ दे वॉन्टेड टू डू दिस इफ दे वॉन्टेड टू डू एनी welfare for the humanity then they should have done it already they would have not caused such a chaos you know they are sucking the blood of human beings the farmers it's going to affect everyone the new world order that they are trying to bring the elites they are trying to promote the elites e apna raj karna chahnde hai e unna nu dena chahnde hai sirf 2% lokan nu hi sari dharti da malik banana chahnde hai par e us malik ton bhul chuke hai they have forgotten the real जिदी सारी सृष्टि उदी है वी आर फॉरगॉटन के असी उदे मालक बन के रजिस्टरी करा के बह नहीं जा सकते सो सेम वे द प्राइम मिनिस्टर थिंक्स इफ ही थिंक्स दैट ही इज़ द ही कैन नॉट बी चेंज और ओवरथ्रोन लाइक दिस ही विल बी ओवरथ्रोन इफ ही ट्राइज टू यू नो शो द एनी लीथल फोर्स बिकॉज दिस इज इंडिया दिस इज डेमोक्रेसी इफ यू से दिस इज डेमोक्रेसी देन पीपल हैव टू पीपल हैव द वॉइस पीपल्स वॉइस कैन नॉट बी स्टॉप्ड they try to say many things they try to blame us they try to you know defame us with many ways they do that's not going to affect because this is humanity's front it's they are trying to do this all over the world not just here the corporate sector moves world economic forum what they have done main kehna chahunga benti hai to all the youth please youth go and study world economic forum WHO ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦੇ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨਡ ਪੀਪਲ ਗੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਸੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
सब तो ज़्यादा ज्ञानी त्यानी भी कह सकते, महाराज ने सारा कुछ इतने दिता। सो अपना जिहड़ा पंजाब बहुत क्रिएटिव है, साडे यूथ बहुत क्रिएटिव है, सानू बदनाम किया गया, हरियाणे वाले वीर सारे जिहड़े नाल इकट्ठे होए आ, वी आर सो क्रिएटिव, असी सारे बहुत क्रिएटिव बंदे हाँ, चला असी रहे हैं। सिर्फ वो उन्होंने ड्यूटी सीगी, उन्होंने जिस हिसाब से ड्यूटी करनी चाहिए सी उन्होंने नहीं की, उन्होंने हुण अपना देखना चाहिए, अपने आप को शीशे से देखते ही होंगे मेरे हिसाब से, उन्होंने अपने अंदर देखना चाहिए। इन्होंने वीर जी सुनेहा मैं मोदी साहब को लाना चाहना वा, ये खालसे दियां मारियां हुईयां मल्लां, तो असी सारे किसान वीर के बच्चे हाँ, इन्हां जिन्ने किसान वीर आ साडे माता पिता सारे, साडे गुरु नानक साहब पिता जी सब तो वड्डे किसान जिन्हां ने सानू किरत करो नाम जपो तो वंड छको का नारा दिता है, असी किरत भी करते हैं नाम भी जपते हैं तो वंड के भी छकते हैं, चौथा नारा सिंह सजो सारे सिंह भी सजते हैं, असी तुहानू ये बेनती अपील नहीं करनी, असी तुहानू हुक्म करते हैं समझ के इस खालसे की एक किसानां की शरण में आ जाओ, तुसी एक इंडिया का राज लैके बैठे हो, धरती का राज देने की समर्था रखते हैं, इसलिए अपनी समझ नूं वड्डा करो, अपने विचारां नूं वड्डा करो, इन्हां नाल लड़ो ना, इन्हां नूं परेशान ना करो, जो ये मंगते आ हक ये तां जाणा तां लजाणा जाणदे, थले लियाउणा भी जाणदे आ, ते अज भी तुहानूं पता होएगा इतिहास पढ़ लो, तख्त हजे हरिमंदर साहब ही पिया साडे कोल, किते नहीं हैगा, ये साडी अपनी दिल्ली आ, ये बगानी नहीं है, साडी अपनी आ, असी अपने पिता जी का खून पा के सिंजी हुई आ, जे इतों तुसी गलत फुरमान, एक होर तुहानू गल समझाउणा चाहुंना, जे समझ विच आ जाए, मूर्ख बंदे दे हाथ तीन चीज़ां आ जाण, कलम हथियार ते शास्त्र, किसे मूर्ख कोल आ जाण वो सारा अनर्थ कर दिंदा है, जे किसे स्याणे कोल आ जाए वो सब दा भला कर दिंदा है, मूर्ख ना बनो स्याणे बनो, ये ताकत का सही इस्तेमाल करो लोगों वास्ते, असी कोई अनपढ़ जां कमले नहीं हैगे, सानू दुनिया जाणदी आ दुनिया, तुसी कह रहे हो मूर्ख आ गए हो, ये मूर्ख आ गए, दुनिया नू पालन की समर्था रखते हो, आके तुसी वेख सकते हो, तुसी रोटी नहीं खवा सकते, असी बदाम खवा रहे हैं सारे रल के। इसलिए अपनी समझ नू वड्डा करो, जे दुनिया नू सुख देना है सानू सारिया नू इकट्ठे होण दिओ, इस इंडिया ने ऑल वर्ल्ड की अगवाई करनी है, कारण की है कि इस धरती के उत्ते गुरु पीर किड्डे किड्डे तलंधर बंदे आए हुए हैं, जिन्हां नूं तुसी दंड लाउण डए हो, अपनी बेइज्जती कराउण डए हो सारे वर्ल्ड दे विच, इसलिए समझ के चलो, इन्हां नाल रल के चलो, इन्हां दी शरण आओ, सारिया दी शरण आओगे दुनिया का राज तुहानूं लैके दे देंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद, इन्होंने जिहड़ियां गल्लां बातें कीतियां, कहिंदे दुनिया का राज तुहानूं लैके देवांगे, जिस तरीके नाल इह इन्हां मोटरसाइकलां ते सवार है, तुसीं इन्हां नूं कह सकदे हो कि मॉडर्न है, ये इस मॉडर्न होने के नाल नाल इन्हों समझ भी हैगी है, तो समझ है जी सरकार भी दे रहे हैं, ये तो आ बैनर सारे पढ़ सकते हो, जिस तरीके सारे अमृतसर तो जलंधर तो इतने पहुंचे, तो कहते हैं दिल्ली फतेह का इतिहास है इन्होंने जुड़िया होया, तो हूँ फिर कहते दिल्ली फतेह होगी। बहुत धन्यवाद कैमरा परसन प्रदीप के नाल, मैं KP सिंह जस पंजाबी दिल्ली तो।